वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और जब मैं सुबह सुबह तैयार हो रही थी तो मेरी टीम मेंबर्स ने फॉरन कहा, मैं साहब इतनी सुबह सुबह इतना ज्यादा तैयार होकर क्यों आ रही है, इतना प्यारा जोड़ा पहना हुआ था। मैंने सोचा था कि जब ये डिजाइनर हमें खुद ज्वाइन करेंगी तो मैं बताऊंगी कि मैंने किसका जोड़ा पहना हुआ है। जवेरिया जो का जोड़ा है और वो हमारे सेट पर भी मौजूद है। वेलकम टू द शो जवेरिया, कैसी हो? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जवेरिया, सबसे पहले तो मुझे अपनी कलेक्शन के हवाले से बताएं और कब से आप ड्रेस डिजाइनिंग के इस फील्ड में आए हैं? काफ़ी लाइक आई हैव बीन ऑलवेज लाइक टू लाइक डूइंग ऑल द क्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक पेंटिंग एंड ड्राइंग एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें। बट फिर मैंने फैशन डिज़ाइन को लाइक प्रॉपर एज अ स्टडी ज्वाइन भी कर लिया था। और ये दिस कलेक्शन नेम इज़ एमिनेंस और इट्स एन लाइक ये बेसिकली ट्रिब्यूट है हमारे कुछ फैशन आइकॉन्स को भी, जो पाकिस्तान लाइक बेसिकली आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ट्रेंड है कि पुराने अम्मियों के जोड़े लोग बहुत ज्यादा री इन्वेंट करते हैं, दोबारा से बनवाते हैं लोग, इवन अपनी शादियों में भी पहनते हैं। तो बेसिकली हमने कुछ पुराना रेडियो पाकिस्तान को अपना मेजर थीम लिया था, लाइक वही हमारी एक इंस्पिरेशन था। बिकॉज बैक देन जब अर्लियर ईयर्स ऑफ पाकिस्तान लाइक 1950s का हमारा थीम है, उसके अंदर हमने ये किया था कि 1950s में आपको पता है कि रेडियो ही एक लाइक एक सोर्स था लोगों की इंफॉर्मेशन का भी, एंटरटेनमेंट का भी। तो उसी से सारे फैशन वगैरह डेवलप हुए थे और कुछ हमारे फैशन आइकॉन्स लाइक नूर जहान, उनको भी हमने ट्रिब्यूट पे किया इस कलेक्शन से, लाइक क्योंकि उस वक्त वही एक फैशन आइकॉन भी थी और उन्होंने काफी सारे फैशन दिए भी थे हमारी इंडस्ट्री को। जबरदस्त, तो ये ट्रिब्यूट है बेसिकली उन तमाम लेजेंड्स को जिनके। और ये कलेक्शन आपकी जवेरिया कब लॉन्च होने वाली है और क्या इसका बेसिकली थीम है, ये तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन कहाँ कहाँ अवेलेबल होगी, लॉन्च कब होगा? इट्स गोइंग टू लॉन्च बिफोर ईद, लाइक रमजान से पहले लॉन्च हो जाएगा और ये ऑनलाइन वेबसाइट पे भी आप ले सकते हैं और दूसरा पाकिस्तान के जितने भी लीडिंग स्टोर्स है वहाँ पे ये अवेलेबल होगा, जैसे राजा साहब, सलीम फैब्रिक्स वगैरह, इन सब जगहों पे अवेलेबल होगा। अच्छा जवेरिया, जब हम फैशन डिजाइनिंग की बात करते हैं तो आप इससे पहले भी डेफिनेटली काम करती रही हैं और आपने इसको प्रॉपरली पढ़ा भी है, फैशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रिवाइव भी हुई है। हाँ जी, और आपके नज़दीक ये रिवाइवल कैसा है? आई थिंक दिस रिवाइवल इज़ रियली गुड, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि लाइक अब आप देखें कि लाइक सब लोग बहुत ऑर्गेनिक हो रहे हैं, अब हर चीज़ में एक लाइक लोग पुरानी चीज़ों को बहुत लाइक करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पुराने फैशन बहुत रिवाइव हो गए, जैसे अम्मियों के कपड़े, व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, कि अम्मियों के कपड़े लोग बहुत री इन्वेंट करते हैं, उस तरह की चीज़ें लाइक बहुत लाइक करते हैं। तो इसलिए हमने इस कलेक्शन को लाइक वी हैव मेड इट लाइक रियली केयरफुली कि इसमें लाइक बिल्कुल आउटडेटेड भी ना लगे और मॉडर्न चीज़ों को वी हैव अमैलगमेटेड ओल्ड एंड न्यू ट्रेंड्स। जबरदस्त, कलर्स क्या हैं, किस तरह का कट्स आपने ज्यादा दिए हैं और किस स्टाइल की ये कलेक्शन है? वी हैव लाइक हमने उस तरह से इसको डिजाइन करने की कोशिश की है कि लाइक मॉडर्न कट्स भी है और कुछ हमने पुराने कट्स को भी, जैसे गरारा टाइप चीजें, इस तरह की भी चीजें इसमें पुराने, कुछ हमने ब्राइट कलर्स को भी लिया और पेस्टल्स को भी लिया। सो वी हैव लाइक अमालगमेटेड एवरीथिंग, लाइक पुराने नए चीजों को। किस तरह का काम है, जैसे मेरे उस पे सीक्वेंस है गले के ऊपर, इट्स पर्ल्स एंड ऑल दैट, तो इस तरह से बाकी ड्रेसेस पे भी बताएं। तो बेसिकली इट्स अ लग्जरी एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन, इट विल बी लाइक अवेलेबल, ये अनस्टिच भी आप ले सकते हैं, यू कैन गेट इट स्टिच इफ यू वॉन्ट टू। और दूसरा इसमें हमने कुछ में कुछ अड्डे का काम, कुछ ऐसी लाइक चीजें ऐड की हुई है कुछ जबरदस्त। अच्छा, अभी हम बहुत सारे काम देखते हैं कि डिजाइनर्स फील्ड में हैं जो काम कर रहे हैं, इसी तरह से डिफरेंट थीम्स को लेकर चल रहे हैं, आप पर्सनल फेवरेट कौन है डिजाइनर? मुझे लाइक पाकिस्तान में तो मुझे काफ़ी पसंद है, जैसे सना सफीनाज है, अलान है, जो लाइक बड़े ब्रांड्स हैं, रियली लाइक दोज, और कुछ लाइक बंटो काजमी जिनका बहुत ट्रेडिशनल और इस तरह का काम है, रियली लाइक दोज। और बाकी इंटरनेशनली तो लाइक काफ़ी है। अच्छा भैया, अभी जो आप देखते हैं जिस तरह का काम हो रहा है और आपने जिस तरह से किया है, तो अभी तो आप लग्जरी पेट में गए, इसके अलावा आपके कुछ प्लान हैं कि आप मजीद किसी? जी, वी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट लाइंस, लाइक हम ब्राइडल फॉर्मल्स और प्रेट, लाइक यू हैव टू लाइक वेट फॉर दैट, लाइक एवरीथिंग इज इन पाइपलाइन। लवली लवली लवली। अच्छा, हम आजकल ट्रेंड्स की बात करें तो किस तरह के ट्रेंड्स आप समझते हैं इन हैं, जो हर तरह की जो बॉडी शेप है या कम्प्लेक्शन है उसको कैरी कर सकते हैं? लाइक आई थिंक अभी मुझे लगता है कि लाइक कोई भी, देयर इज नो स्पेसिफिक लाइक फैशन, कोई ऐसा स्टाइल नहीं चल रहा, यू विल सी एवरीथिंग अराउंड यू, लाइक लंबी कमीजें, छोटी कमीजें, गरारा शरारा, एवरीथिंग इज इन, लाइक मेरे ख्याल से जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो और जिस चीज़ को आप अच्छे से कैरी कर सको, आई थिंक वही फैशन है इस वक्त। अच्छा, लोगों में फैशन सेंस की बात कीजिए, कितनी ज़्यादा फैशन सेंस आपके नज़दीक लोगों में आ गई है टाइम के साथ साथ? आई थिंक इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन अ पर्सन, बिकॉज मुझे लाइक कुछ लोगों में ऑब्वियसली, कई लोग इस तरह भी होते हैं
लाइक हमारा इस तरह भी क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस होता है कि वो देखते हैं कि जो मॉडल ने पहना हुआ जिस तरह से, तो वो समझते हैं कि हम भी वैसे ही लगे, बट वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट लाइक लीग हो जाती है मॉडल्स वाली। तो आई थिंक आपको खुद ही लाइक थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है कि आप अपने आप को खुद ही लाइक थोड़ा सा लाइक उसमें थोड़ा सा लाइक ट्रेन करें कि आप पे क्या चीज़ सूट करेगी, और जिस चीज़ को आप कैरी कर सके अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से ऑब्वियसली आपको ड्रेस करना चाहिए और फैशन करना चाहिए। लाइक हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। हाँ, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी कि अगर हमारे कॉलर्स हमारे साथ पार्टिसिपेशन करना चाहें हमारे शो के, तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं, ज्वेलर से बात कर सकते हैं, इनकी कलेक्शन के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं वो भी आप जान सकते हैं, और नंबर्स डेफिनेटली आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अच्छा अजय भैया, अभी आप जैसे कह रहे हैं कि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती, आप बहुत सारी खवातीन एक पिक्चर या एक इमेज के साथ आती होंगी, उनको कन्विंस करना कि इट्स नॉट योर बॉडी टाइप या के कलर्स और ये सारा कुछ, तो एक उसको कन्विंसिंग लोगों के लिए समटाइम्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको कन्विंस करना, तो क्या कैसे टैकल? बट बेसिकली बात ये कि वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू अवर क्लाइंट्स डिमांड, तो हम वो लाइक वी ट्राई टू कन्विंस देम, बट समटाइम्स इस तरह होता है कि वो नहीं लाइक वो जो चाह रहे होते हैं फिर हमें वही बना के उनको देना पड़ता है, तो आई थिंक वो कम्प्लीटली इट्स कम्प्लीटली अप टू द क्लाइंट, सो दे नीड टू गेट अ वर्ड। जबरदस्त। अच्छा, समटाइम्स हम जब कलर्स और स्कीम्स की बात करते हैं, कुछ बहुत बिल्कुल पेस्टल्स में जाना चाहते हैं, कुछ बहुत ब्राइट कलर्स में जाना चाहते हैं, आजकल के ट्रेंड के मुताबिक क्या लग रहा है कि क्या चीज़ ज़्यादा इन है और क्या आउट है? आई थिंक समर्स में तो ज़्यादा पेस्टल्स को ही लोग लाइक करते हैं, और पेस्टल्स ही लाइक मेरे ख्याल से क्योंकि वो आपको थोड़ा सा लाइक कूलिंग इफेक्ट देते हैं, और इस तरह के लाइक कुछ लाइक ये तो प्रॉपर एक कलर थ्योरी है कि कुछ वार्म कलर्स होते हैं कुछ कोल्ड कलर्स होते हैं, तो आई थिंक समर्स में तो आपको पेस्टल्स ही थोड़े से लाइक पहने चाहिए, बट एवरीथिंग इज लाइक आप कुछ भी पहन सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू लाइक। राइट जी, फौजिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा आपके डिजाइनर से ये सवाल है कि आजकल जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, तो कौन से कलर्स इन है रेड के अलावा, क्योंकि रेड तो एक बिल्कुल वो होता है, तो इसलिए मुझे ये बताएं कि रेड के अलावा कौन सा कलर इन है। अच्छा, फॉर ब्राइडल्स और ब्राइडल, फॉर ब्राइडल, ओके परफेक्ट। तो ये आपके लिए ब्राइडल से रिलेटेड सवाल आया। आई थिंक इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन अ पर्सन चॉइस। अभी क्योंकि कुछ लोग हैं जो रेड के साथ ही लाइक स्टिक करना चाहते हैं, दे ऑलवेज वांट टू लाइक वो उनका शुरू से लाइक ड्रीम होता है कि हमारी शादी हो तो हमने रेड ही पहनना है, बट अभी बहुत सारे लाइक डाइवर्सिटी हो गई है ब्राइडल के कलर्स की भी, और लोगों की चॉइस पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि उन्होंने पेस्टल्स में जाना है। इवन पहले लोगों का ये माइंड सेट था कि उन्होंने ब्राइट कलर्स ही बारात पे पहनने हैं। बहुत सारा ट्रेंड बदलते हुए भी देखा है, लॉन्ग शॉर्ट्स, पेपलम्स, और मैंने जो पहना हुआ इट्स वेरी फ्लेवी एंड पेपलम काइंड ऑफ थिंग। तो जब काम की बात आती है या स्टफ की बात आती है, तो किस तरह का स्टफ आप लोग आपकी कलेक्शन में हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, और वैसे इन ट्रेंड बेसिकली क्या? बेसिकली दिस इज अ लाइक लग्जरी फैब्रिक, लाइक ये उस तरह का शिफॉन टाइप फैब्रिक्स हैं। ठीक है, यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ शिफॉन्स एंड ऑर्गेंजास इन अवर कलेक्शन, बट जनरली लाइक एवरीथिंग इज इन फैशन, लाइक शिफॉन्स भी चल रही है, उसके अलावा अभी तो पूरा लॉन फीवर शुरू हो गया, आपको पता होगा। तो आपका प्लान है इस लॉन फीवर में? जी एग्जैक्टली। अच्छा, we are planning like we are going to shoot a lawn in a week inshallah, or we'll be launching that soon. जबरदस्त। हमारे साथ कॉलर हैं जी मारिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा इनसे सवाल ये है कि अब सर्दियां तो चली गई हैं, गर्मियों में जो शादी आ रही हो उसके लिए ड्रेसिंग कैसे की जाए, क्योंकि बहुत हैवी ड्रेसेस तो वेयर नहीं किए जा सकते, तो उनके लिए कौन सी जो है वो सही रहेगी ड्रेसिंग, ये मुझे बता दें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मारिया, बहुत शुक्रिया जी भैया। अब जो अब समर वेडिंग्स हैं उसके लिए किस तरह की फैब्रिक्स या बहुत हेवी भारी भरकम जोड़े चलेंगे या नॉर्मल चलेगा? अभी आई थिंक ट्रेंड्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं, और अब वो लाइक उतना लोगों का माइंडसेट में वो चीज़ नहीं रही कि उन्होंने बहुत ही हैवी आउटफिट्स पहन के ही शादी में जाना है। आई थिंक अब लोग लाइट चीज़ों की तरफ भी जा रहे हैं, और वो हल्की चीज़ें भी पहन लेते हैं, लेकिन उसमें यह कि वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, और उसमें आपको लाइक अभी कुछ मैंने काफ़ी डिज़ाइनर्स को देखा जो कॉटन्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लाइक हाँ जी एग्जैक्टली, और कॉटन के ऊपर भी बहुत प्यारे फॉर्मल्स बन जाते हैं, लाइक तो उसमें वो फ्लेयर या उसमें वो फॉल आती है? हाँ जी एग्जैक्टली आ जाती है। अच्छा, लाइक वो डिजाइन पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है, लेकिन उसमें आती है वो चीज। लवली लवली लवली। अच्छा जवेरिया, हम जाएंगे हम आपकी कलेक्शन की तरफ चले। श्योर, हम कलेक्शन देखते हैं उस तरफ जाते हैं और जवेरिया की कलेक्शन देखते हैं। आ जाए जवेरिया उस तरफ चले। अच्छा जी, जवेरिया की कलेक्शन देखते हैं और इस ड्रेस से हम शुरू करेंगे। और ये मैंने जो कुछ पहना, मैंने जो पहना हुआ है इस टाइप का ही मुझे कुछ लग रहा है ये? नहीं, दिस इज अ लॉन्ग गाउन। अच्छा, ये गाउन है और इसके साथ पैंट्स होंगी लाइक विद ओपन स्लिट और लाइक इन बेसिक कलर्स। परफेक्ट।
तो फैब्रिक और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी एम्बेलिशमेंट उस हवाले से भी बताइएगा. This is what I've told you, this is all chiffon, luxury fabric and like pastel color or embroideries hai iske upar, like luxury embroidered. Aur acha ye thoda bright color bhi hai, pastels pe mujhe bright color nazar aa raha hai, isko hum zarur dekhna chahenge. Iske hawale se bhi bataiye ये लाइक किस तरह ब्राइट कलर, लाइक जो आप लाइक थोड़ा पुराना रिवाइवल वाली चीज टाइप है. और इसके साथ लाइक ये ग्रीन दुपट्टा, दिस यू कैन वेयर वेयर इट ऑन लाइक कोई भी इवेंट हो या आपकी कोई शादी हो, ढोलक हो, इस तरह से आप पहन सकते हैं. लाइक ये वो चीज है, यू विल गेट ऑल दिस एम्बेलिशमेंट विद द विद इन दिस लाइक पैकेज. और आपको उसके कपड़ों के साथ ब्लैक ऑलवेज लुक्स क्लासी. और मैं ये चाहूंगी कि हम ब्लैक वाला ड्रेस भी देखें. ये हमने थोड़ा सा लाइक 1950s का ही जो रेट्रो ग्लैम टाइप है उस चीज के ऊपर ये है. वेरी नाइस, मैं इसको कर लेती हूँ. आप इस हवाले से बताएं. हाँ जी, ये ब्लैक ऑन ब्लैक आउटफिट है और ये लाइक जैसे 1950s की थोड़ा डिस्को ग्लैम टाइप आउटफिट है. लाइक दिस इज ब्लैक ऑन ब्लैक, ब्लैक ऑन ब्लैक. और इस पे सितारे भी हैं क्योंकि आजकल हर तरह का जो कहा जा सकता है फैब्रिक भी है और ये सारी चीजें हैं. अच्छा, आई वुड लाइक टू सी दिस वाइट वन एज वेल. ओके, ये वाला प्लीज. इसको हम तो बेसिकली इस कलेक्शन को हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया था. एक तो थोड़ा सा लाइक फाइव ऑफ द आउटफिट्स आर डिस्को ग्लैम और कुछ फाइव आउटफिट्स हैं जो कम्प्लीटली लाइक थोड़े ट्रेडिशनल और थोड़े उस तरह की है कि रिवाइवल टाइप पुराने ट्रेंड्स वाले. और ये बहुत लॉन्ग में है. एग्जैक्टली, यस, लुक्स ग्रेट. जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया जनाब. और जुबेरिया, एक दो ड्रेसेस हम और देख लेते हैं विद शरारा पैंट्स, उसकी भी बात करें. इट्स डिफिकल्ट, हम उसको बार बार लगा रहे हैं ना. तो बेसिकली ये आउटफिट जो है ये हमने वही आपको जिस तरह ट्रेडिशनल वाली पुरानी चीज देखे गरारा और उस तरह के लाइक ब्राइट कलर्स के साथ हमने इसमें प्ले किया है. इसका दुपट्टा भी लाइक इस तरह प्लम से कलर का है. जबरदस्त. सो दिस इज दैट ओल्ड. हाँ, इसको आप अच्छा, अब मैं कल जो वेयर का शूट भी देख रही थी तो आपने बहुत वो पुराने थीम पर रेडियो पाकिस्तान के थीम पे किया, तो वो आइडिया बेसिकली आपका ही था, आपकी क्रिएटिव टीम का था किस तरह. जी, वो सबका लाइक ऑब्वियसली मिलके था, क्रिएटिव टीम का भी था. और कुछ हमने लाइक ये जैसे आउटफिट है इसके अंदर हमने इसके साथ लाइक शलवार वगैरह भी दिया, बिकॉज जनरली लोग इस तरह लग्जरी प्रेट में इतना शलवार को इतना लाइक नहीं करते. तो बेसिकली हमने कुछ ट्रेंड सेटिंग चीजें भी की है कि हम शलवार भी करें एंड वेरी स्टार्क एंड बोल्ड लाइक कलर कॉम्बिनेशंस आर देयर. लवली लवली लवली. अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है सना. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अदला, मैं सना बात कर रही हूँ. जी सना, मुझे इन डिजाइनर से बात करनी थी जुवेरिया से. जी जी, आप करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप जुवेरिया? जी, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह. जुवेरिया, मैं जानना चाह रही थी कि ब्राइडल के हवाले से तो आप बता रही हैं कि क्या कलर इन कर सकते हैं, क्या पहन सकते हैं. मैं अगर ये जानना चाह रही थी, मेरी बहन की शादी है. जी जी. तो जाहिर सी बात है काफी क्लोज रिलेशन होता है, तो उस हवाले से कुछ रिकमेंड करें कि हम क्या कलर पहन सकते हैं की शादी पर. और क्योंकि वो अप्रैल की शादी है तो मौसम के हवाले से भी कुछ आइडिया दीजिएगा कि हम क्या कलर बना सकते हैं और क्या कर खरीद सकते हैं. ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सना. आज जुवेरिया मुस्तफ चलते हैं. जी, और साथ साथ जुवेरिया से जवाब भी ले लेते हैं. जी जुवेरिया, तो आई थिंक अभी ब्राइट कलर्स भी बहुत इन है, पेसल्स भी बहुत इन है. तो अगर लाइक बहन की शादी है तो मे बी आप ब्राइट कलर्स की तरफ भी जा सकते हैं. अगर आपका कोई ओल्ड स्कूल टाइप का थीम है तो आई थिंक कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन अ पर्सन चॉइस, लाइक वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है. बट आप ब्राइट भी चल रहे हैं और पेसल्स भी चल रहे हैं, इस वक्त कोई भी लाइक स्पेसिफिक इस तरह फैशन का नहीं है कि आप कुछ लाइक आप स्पेसिफिक ही कुछ कलर्स चल रहे हैं जैसे ग्रेज या कुछ उस तरह नहीं है. लाइक कोई इस वक्त कोई भी ट्रेंड सेटिंग चीज नहीं है. आई थिंक बहुत सारे कॉन्शियस लोग भी आते होंगे. जी बिल्कुल. तो उनको कैसे डील करते हैं? वही जो मैं आपको बता रही थी कि लाइक आपको सबसे पहले तो आपको अपने क्लाइंट की चॉइस पूछनी पड़ती है. लाइक आप उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते. ऑब्वियसली अगर आप उनको लाइक कन्विंस कर सके कि उन पे कोई चीज सूट कर नहीं करेगी तो दैट इज कम्प्लीटली अप टू देम. लाइक अगर ऑफेंड भी हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाता है. लाइक ऐसे केसेस भी होते हैं, बट आपको ऑब्वियसली क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, वो चाहे उन पे सूट करे या ना ही करे. सही है या ना करे. ठीक हो गया. अच्छा, एक प्रॉपर लुक भी समटाइम्स डिजाइनर आपको गाइड करते हैं कि यू कैन गो विद लाइक दिस हेयरडू और दिस, तो आप गाइडेंस देती हैं एज अ स्टाइलिस्ट? हां जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यस, आई वर्क एज अ स्टाइलिस्ट टू. और लाइक कम्प्लीटली वार्डरोब सॉल्यूशंस भी हम दे देते हैं क्लाइंट्स को, लाइक इफ दे आर विलिंग टू, कि अगर उनको चाहिए वार्डरोब सॉल्यूशंस तो हम उनको वो भी बता देते हैं कि उन पे क्या सूट करेगा या उनको समर के लिए या विंटर्स के लिए कैसे वार्डरोब बनाना चाहिए. तो वो वी कंप्लीटली गाइड देम. अच्छा, तो अपने शूट के हवाले से थोड़ा सा बताएगा. बहुत ही क्लासिक था शूट, था विद अ लॉट ऑफ
जो डार्कर बैकग्राउंड एंड ऑल दैट, क्या कॉन्सेप्ट था बेसिकली उस शूट का और मॉडल्स के साथ आप लोगों ने किस तरह से उसको जो कहने एक इम्प्लीमेंट किया? बेसिकली 1950s का हमारा थीम था और 1950s में आपको पता है जिस तरह रेडियो पाकिस्तान लाइक उस वक्त सिर्फ वही एक सोर्स था और उसी से फैशन और इंफॉर्मेशन सारी लोगों को मिलती थी लाइक कि क्या फैशन चल रहा है और किस तरह से चीज़ें हो रही है, लाइक प्रॉपर एंटरटेनमेंट का सिर्फ एक रेडियो पाकिस्तानी सोर्स था। तो हम उसी की तरफ गए थे कि 1950s को हमने एक तो पुरानी चीज़ों को रिवाइवल भी लाइक उसमें करना है और हमने उन चीज़ों के बारे में लोगों को बताना है कि लोग जिनको वो लाइक छोड़ रहे हैं या भूल रहे हैं। तो बेसिकली हम इसलिए लाइक मैं एक बहुत पैट्रियाटिक भी हूँ, लाइक एनवायरमेंटलिस्ट भी हूँ, तो इस तरह से मैं लाइक उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ कि थोड़ी पैट्रियाटिक थीम्स भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल लॉन की कैंपेन्स के लिए लोग बहुत बाहर की मॉडल्स लेते हैं, बाहर लाइक बाहर जाते हैं। यस, तो मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि हम पाकिस्तान के अंदर रह के भी बहुत सारी पाकिस्तान की लाइक ब्यूटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक इधर ही आप शूट्स भी करें, इधर की मॉडल्स भी लें, लाइक ऑब्वियसली हमारे पास कोई टैलेंट की कमी नहीं है, तो आई थिंक वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप उस चीज़ को देखें, बिकॉज पीपल आर लाइक गोइंग अब्रॉड एंड उधर की मॉडल्स लेते हैं, उधर की फोटोग्राफर्स लेते हैं, तो आई थिंक हम उसमें थोड़ा सा लैक कर जाएंगे फिर लाइक इन द फ्यूचर अगर हम इन चीज़ों को नहीं रिवाइव करेंगे। तो इसलिए हमने रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को भी चूज़ किया था और इसी थीम को हम लेके चले थे कि हम पाकिस्तान को ही लाइक इसी के आर्ट को हम लेके आगे चले। ठीक हो गया। हमारे साथ कॉलर है रबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रबिया, क्या कहना जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपका आपका ड्रेस बहुत जबरदस्त है, मैं सवाले से आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि इसको क्या कस्टमाइज कर सकते हैं आप? कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक हो गया, अभी आपको पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग रबिया जी। जी बिल्कुल, आप इसको लाइक ऑनलाइन आप खरीद भी सकते हैं, पर अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, तो आप लाइक इसको लाइक रमज़ान से पहले हम इस कलेक्शन को लॉन्च कर रहे हैं, तो तब आप वेबसाइट से इसको खरीद भी सकते हैं, उधर आपके पास अनस्टिच और स्टिच दोनों की ऑप्शंस होगी। तो आप अगर स्टिच करवाना चाहते हैं लाइक वी कैन गेट इट कस्टम मेड फॉर यू एंड वी कैन गेट इट स्टिच्ड फॉर यू एज वेल। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम आजकल की जब हम मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं, बहुत सारी खवातीन काम कर रही हैं, हर एक की फैशन सेंस जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है जी। पर्सनली आपको भी कोई एक्ट्रेस मॉडल को ऐसे पसंद होगी, यू लाइक देयर फैशन सेंस या उनकी ड्रेसिंग? आई थिंक बहुत सारे लाइक हमारे जो इस तरह सेलिब्रिटीज़ है, कुछ के तो मेरे ख्याल से स्टाइलिस्ट बहुत अच्छे हैं, जिनकी वजह से उनको एकदम से लाइक काफ़ी बूम भी मिल गया कि उनकी स्टाइलिंग और वार्डरोब सेंस बहुत अच्छी होती है। तो आई थिंक उसमें कुछ का तो स्टाइलिस्ट को ही क्रेडिट जाता है, लेकिन कुछ हमारे लाइक इस तरह की सेलिब्रिटीज़ है जैसे आयशा उमर वगैरह, उनकी अपनी भी फैशन सेंस बहुत अच्छी है, तो लाइक दे आर लाइक रियली वेयरिंग गुड क्लोथ्स एंड ऑल द टाइम। अजवेरा, समटाइम्स लोग चेंज करने से एक्सपेरिमेंट करने से बहुत ज़्यादा घबराते भी हैं और वो समझते हैं कि अगर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो शायद लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोगों को डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा टाइम चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? आई थिंक ये आप बेसिकली फैशन होता ही है कि आप अपने अंदर ही कॉन्फिडेंट और लाइक कंफर्टेबल फील करें। अगर आप किसी फैशन में कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आई थिंक आपको फैशन करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं, आप उसको कैरी नहीं कर सकते, तो आई थिंक वो उस फैशन का आपको कोई फ़ायदा नहीं। तो आई थिंक वो चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको कैरी नहीं कर सकते तो आई थिंक आपको वो इतना डिफरेंट फैशन करना ही नहीं चाहिए। आपको वही करना चाहिए जो आपने सूट भी करे और आप उसमें कंफर्टेबल फील करो। बेसिकली फैशन इज बीइंग कंफर्टेबल इन योरसेल्फ। हाँ, और आप जो भी पहने आप उसमें कंफर्टेबल नजर आए। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जो बहुत एक कहने कट्स बहुत डिफरेंट पहन लेते हैं, लेकिन एट द एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर वो कॉन्शियस घूम रहे होते हैं और उनकी शक्ल पर नजर आ रहा होता है कि दे आर बीइंग सो कॉन्शियस। अच्छा, अभी हमने स्टाइलिस्ट की भी बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग कंसल्टेशन या कंसल्ट करने से भी बहुत ज्यादा हिचके जाते हैं, घबराते हैं, लगते हैं कि जब हम पहने दैट्स फाइन। एक स्टाइलिस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है एक बंदे की, जो कह लें उसके लाइफस्टाइल में कह लें या उसके ड्रेसिंग सेंस में कह लें? आई थिंक अब मीडिया अवेयरनेस लोगों में इतनी ज्यादा हो गई है कि लाइक सोशल मीडिया के थ्रू ही आप बहुत कुछ लाइक लर्न कर लेते हैं। लाइक अब अगर आप देखें कि यंगर लॉट जितनी भी आ रही है वो पहले से ही काफ़ी फैशन अवेयर्ड है, उनको हर चीज़ के बारे में पता है, उनको ट्रेंड्स के बारे में पता है, उनको पता है कि उन्होंने क्या पहनना है, किस तरह से करना है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से अब आई थिंक सोशल मीडिया ही आपका बहुत बड़ा स्टाइलिस्ट है। नो डाउट, ऐसा ही है। अच्छा, जनाब हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फातिमा, क्या कहना चाहेंगी? अर्मला, मैं पूछना चाह रही हूँ कि अब जो समर स्टार्ट है हमारा, इसके अकॉर्डिंगली ऑफिस में जॉब करती हैं उनके लिए किस किस्म के कपड़े जो हैं और कलर्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, किस तरह के जो कलर्स हैं वो हम वेयर कर सकते हैं ऑफिस वर्किंग वुमन के लिए? राइट, यप। ठीक
ठीक हो गया. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फातिमा जी. वर्किंग वुमेन उनके लिए फातिमा जवेरिया, वैसे बहुत सारे लोग इतना ज्यादा नहीं डिजाइनर्स करते, आपको लगता है ऐसा जो ऑफिस वर्कर या वर्किंग वुमेन है? नहीं, आई थिंक कुछ ब्रांड्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं और प्रॉपर अब ऑफिस गोइंग लाइक लोगों के लिए कुछ वार्डरोब भी लाइक कुछ लोग कुछ डिजाइनर्स हैं इस तरह के जो इस चीज पे काम कर रहे हैं. बट आई थिंक ऑफिस गोइंग लोगों के लिए यही है कि लाइक दे जस्ट डोंट हैव टू वेयर टू ब्राइट क्लोथ्स फॉर ऑफिस. और उस तरह लाइक आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा मैच्योरिटी और उस तरह से लाइक डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट यू आर वेयरिंग फॉर ऑफिस. ठीक हो गया. तो ये कोई मैसेज आज के टॉपिक के हवाले से अपने ब्रांड के हवाले से हमारे देखने वालों को देना चाहें? हाँ जी, मैसेज मेरा यही है कि लाइक बेसिकली मैं एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम करती हूँ. तो बेसिकली मैं यही कहूँगी कि लाइक यू हैव टू सेव वाटर बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव लिव विदाउट लव बट नॉट विदाउट वाटर. तो आप पानी भी सेव करें एंड डू लाइक लुक फॉरवर्ड टू अवर कलेक्शन एंड लॉन्च. थैंक यू वेरी मच जवेरिया फॉर कमिंग एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. अच्छा जनाब, जवेरिया से तो आज हमने फैशन सेंस के हवाले से बात की और हमने आवाज से आपसे कहा था कि आज आलमी शायरी का दिन भी है, उस हवाले से अपने मेहमान भी बुलाए. कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आज के शो में हम कंडक्ट कर सकें और आप तक डिलीवर कर सकें. और फैशन हर दौर में बदलता रहता है, लेकिन आपको वही पहनना चाहिए जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल भी समझें और आप कैरी भी अच्छे से कर सकें. इसी उम्मीद के साथ कि आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा, हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर जागो लाहौर का. इन केस आज का शो आपने मिस किया है तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा. हमारा यूट्यूब चैनल है जागो लाहौर लाहौर न्यूज का, वहाँ आप ट्यून इन करें और हमारे सारे एपिसोड वहाँ पर अवेलेबल होंगे. आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.